नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भाजनी की चकली। सबसे आसान तरीका यहाँ पे मैं आपको भाजनी की चकली का दिखाने वाली हूँ दोस्तों, और एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। 500 ग्राम यहाँ पे हमें चावल लेना है। यहाँ पे मैंने कोलम चावल लिया है, इजीली कोई भी सुपरमार्केट में मिल जाता है। इसे हमें एक दो पानी से अच्छे से धो के लेना है, और धोने के बाद इसे हमें ऐसे छन्नी में डालना है और इसका जो पानी है वो निकाल के लेना है। चावलों को हमें बिल्कुल भी भिगो के नहीं लेना है, और इसे हमें पंखे के नीचे सुखा के लेना है। इसे हमें कितना सुखाना है, ये हाथ को गीला नहीं लगना चाहिए, इतना हमें इसे सुखा के लेना है। 250 ग्राम यहाँ पे मैंने चन्नी का दाल लिया है। इसे भी हमें सेम चावल वाला मेथड फॉलो करना है। सारी चीज़ों को हमें अलग अलग से सुखानी है, एक साथ में हमें कोई भी चीज़ को सुखाना नहीं है। यहाँ पे मैंने 125 ग्राम ज्वार लिया है। इसे भी हमें सेम चावल वाला स्टेप फॉलो करना है। 50 ग्राम हमें उड़द की दाल लेनी है, और इसे भी हमें चावल वाला मेथड फॉलो करना है। यहाँ पे हमें 50 ग्राम मूंग का दाल लेना है, और इसे भी हमें सेम चावल वाला मेथड है वो फॉलो करना है। यहाँ पे चावल है अच्छे से सूख गए हैं, आप देख सकते हो, हाथ को ये बिल्कुल भी गीले नहीं लग रहे हैं। अभी इसे हमें ये कढ़ाई में डाल देंगे, और इसे हमें मीडियम गैस पे 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेना है। यहाँ पे हमें चावलों का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, चावल को सिर्फ हमें अच्छे से गर्म करके लेना है। ये चीज़ हम भूनेंगे, इसे हमें एक प्लेट लेना है, और उसके ऊपर हमें ऐसे नैपकिन रखना है, और इसके ऊपर हमें सारी चीज़ों को डालना है। जैसे जैसे चावल पकना चालू हो जाते हैं वो चटकना चालू हो जाते हैं। चावल अच्छे से भुन गए हैं, अभी इसे हम निकाल के लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चने का दाल। चने की दाल है वो भुनने के लिए ज़्यादा टाइम जाता है दोस्तों, को भुनने के लिए मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो चने की दाल का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हुआ है, अभी इसे हम निकाल के लेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे मूँग की दाल। यहाँ पर मूँग की दाल को भुनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये भुन जाती है। मूंग की दाल भी यहाँ पे अच्छे से भून के हो गई है, अभी इसे हम निकाल के लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे उड़द की दाल, इसे भी हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेना है, इसे भी हम निकाल के लेंगे। इसमें हम डालेंगे ज्वार। यहाँ पे ज्वार को भूनने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट लगते हैं दोस्तों। यहाँ पे ज्वार है वो भी अच्छे से भून के हो गए है। यहाँ पे मैंने 25 ग्राम साबुदाना लिया है और 25 ग्राम पोहा लिया है। इसे हमें बिल्कुल भी धो के नहीं लेना है, इसे भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून के लेना है। पोहा थोड़ा सा श्रिंक होना चालू हो जाए तब इसे आप निकाल के लीजिएगा, यह अभी हो गया है। 15 ग्राम हमें साबुत धनिया लेना है, और 15 ग्राम हमें जीरा लेना है। दोनों को भी चीज़ों को हमें सिर्फ गर्म करके लेना है, हाथ को ये गर्म लग जाए इतना ही हमें इसे भून के लेना है। ये सारी चीज़ें भुनने के बाद हमें रूम टेम्परेचर पर लानी है, और इसे हमें चक्की में पीस के लाना है। एकदम बारीक इसका हमें आटा बना के लेना है। अभी यहाँ पे हम चकली कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। 1.5 कप यहाँ पे हमें पानी लेना है। ये पानी में हमें आधा चम्मच हल्दी डालना है, 1 चम्मच हमें तिल डालने हैं, 1 चम्मच हमें अजवाइन डालना है, और स्वादानुसार हमें नमक डालना है। अगर मैंने रेड चिली पाउडर 1.5 चम्मच यूज़ किया है, और 2 चुटकी हम डालेंगे हींग, इसे टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, और 1 चम्मच हमें डालना है तेल। गैस को हमें अभी चालू करना है, और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से बॉयल होने तक पका के लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी को अच्छे से उबाल आ गया है। गैस को हम स्लो पे डालेंगे। 2 कप चकली का आटा हम इसमें डालेंगे, 1.5 कप पानी के लिए हमें 2 कप चकली का आटा डालना है। गैस को हमें स्लो पे ही रखना है, और इसे पहले हमें अच्छे से मिला के लेना है। यहाँ पे अच्छे से मिला के हो गया है। अभी हम गैस को बंद करेंगे, और इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे, और हमें इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रखना है। गैस यहाँ पे बंद है, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अभी हम चकली का जो आटा है इसे हम प्लेट में निकाल के लेंगे। 10 मिनट के बाद भी ये गर्म रहता है दोस्तों, तो थोड़ा हाथ को पानी लगाइएगा और उसके बाद इसे गूंदिएगा। ज़्यादा भी पानी इसमें हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है आटे में पानी कम है, तो थोड़ा सा गर्म पानी का हाथ लीजिएगा और उससे
से इसे गून के लीजिएगा। यहाँ पे आटा है वो अच्छे से गून के हो गया है। यहाँ पे जो चकली का मोल्ड है उसको मैंने अंदर से तेल लगा के लिया है, इसमें हम ये मिश्रण भर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो चकली है वो इजीली गिर रही है। अभी हम इसे एंड के साइड से ऐसे बंद करके लेंगे। यहाँ पे हमें तेल का टेम्परेचर है वो एकदम भी हाई नहीं लेना है, मीडियम गैस के पे इसे हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है। अभी हम चकली को डाल देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो चकली के ऊपर बहुत सारे बुलबुले हैं। जैसे जैसे ये पकना चालू हो जाएगी ये जो बुलबुले हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। यहाँ पे चकली है वो एक साइड से अच्छे से कड़क हो गई है, बुलबुले हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसे अभी हम पलट के लेंगे। जैसे जैसे चकली पकना चालू हो गई है बुलबुले हैं वो कम हो रहे हैं। इसे हमें और थोड़ी देर तक फ्राई करके लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो चकली है वो अच्छे से फ्राई हो गई है, बुलबुले हैं वो अच्छे से पूरी तरह से शांत हो गए हैं, मतलब चकली है वो अच्छे से पक गई है। अभी इसे हम निकाल के लेंगे। भाजने की चकली बन के रेडी हो गई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।